हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल तो आज हम करने वाले हैं क्लास थ्री ईवीस के चैप्टर वन को दैट इज़ पूनम डे आउट तो बेटा आपने देखा हो कि हम अपने एन्वायरमेंट से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू ओके okay? तो इस चैप्टर में पूनम जो है अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीज़ें सीख रही है इस चैप्टर में हम जानेंगे सो लेट्स बिगिन माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टूडे आई हैव बीन एट होम फॉर पास्ट टू डेज आई एम गेटिंग बोर्ड सेट पूनम तो पूनम कहती है कि माँ मुझे प्लीज स्कूल जाने दो मैं पिछले दो दिनों से घर पे ही हूँ और मैं बोर हो रही हूँ बट यू स्टिल हैव फीवर गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट रिप्लाइड माँ पर तुम्हें अभी भी फीवर है आप बाहर जाओ और कॉट कॉट होता है चारपाई कॉट पे लेट जाओ माँ ने जवाब दिया पूनम फेल स्लीप ऑन द कॉट सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस पूनम जो है कॉट पर सो गई लेकिन अचानक से कुछ उसके फेस पर गिरा पूनम वो कप एट वंस एंड टज्ड हर चीक पूनम तुरंत जागी और उसने अपने चीक में छू कर देखा कि क्या चीज़ उसके फेस पर गिरी है ओ नो हुफ इज दिस इज इट क्रोज और पीजेंस इट सीम्स इट्स द क्रोज तो ये जो शरारत है वो किसकी है क्या ये जो पिजन ने शरारत की है या फिर क्रो ने की है तो मतलब जो पूनम है उसके फेस पे क्या आके गिरा था वो जो है क्रो या फिर पिजन की बीट थी पूनम है वो गैस करती है कि शायद ये क्रो की बीच है ओके फिर यहाँ पे हमें कुछ एक पिक्चर दिखाई दे रही है और इस पिक्चर में कुछ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं पूनम लोकडाप सी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री पूनम ने ऊपर देखा और उसने पेड़ पर बहुत सारे एनिमल्स देखे विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर आपको जो ऊपर पिक्चर दी गई है उसमें आपको कौन से एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं राइट डाउन देयर नेम्स और उनके नेम्स लिखने हैं तो चलिए पिक्चर को देखते हैं और एनिमल्स के नेम जो हैं उनको ढूंढते हैं कौन कौन से एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो एनिमल हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है पिजन है उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी जो एनिमल हमें दिखाई दे रही है ये है स्क्वेरल, गिलहरी स्क्वा और स्क्वाल के बगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है क्रो दिखाई दे रहा है क्रो के बाद हमें यहाँ पे एक मंकी दिखाई दे रहा है ओ एन के ई वाई यहाँ पे हमें मंकी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी एंट्स हमें दिखाई दे रही हैं एंट्स इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई दिखाई दे रही हैं। सम बटरफ्लाईज बटरफ्लाईस यहाँ पे हमें एक बटरफ्लाई दिख रही है यहाँ पे हमें एक बटरफ्लाई दिख रही है तो यहाँ पे हमें पिक्चर में बटरफ्लाईज भी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे राइट साइड में हमें एक पैरट भी दिखाई दे रहा है सी अ पैरेट और यहाँ पे हमें एक कुक भी दिखाई दे रही है सी यू सी के डबल ओ कु पे बैठी हुई है सो वी कैन सी लॉट ऑफ एनिमल्स इन दिस पिक्चर दर पिजन स्क्वार्लाई मंकी एक्सेट्रा ओके एंड वी कैन ऑल्सो सी सम्स ऑन द नेक्स्ट पेज पूनम पिक्ड अप अ लीव फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चीक विद इट पूनम ने क्या किया एक ग्राउंड में से एक लीफ उठाई और अपने फेस को पोछा वाइप होता है पोछना तो उसने अपने फेस को वाइप किया बट हर चीक वो स्टिल स्टिकी लेकिन अभी भी उसका जो चीक था वो स्टिकी था चिपचिपा हो रहा था शी थाट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पोन तो मैं जाती हूँ और पास ही एक जो तालाब है वहाँ पे अपना फेस जो है वॉश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में एक हमें पोन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं पोन के आसपास पास विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पोन पोन के पास पूनम क्या क्या एनिमल्स देखती है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स पिक्चर को देख कर उनके नेम्स हमें यहाँ पे लिखने हैं जो भी स्पेस गिवन है वी कैन सी अ गॉट यहाँ पे हमें एक गॉट दिखाई दे रही है वी कैन सी अ वीकेटाइज एक टोर्टाइज हमें दिखाई दे रहा है वी कैन सी टू बफेलोस एक्चुअली दो बफेलो दिखाई दे रही है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है और हमें एक क्रेन दिखाई दे रहा है वी कैन सी टू फ्रॉक्स या दो फ्रॉक्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमें एक बर्ड दिखाई दे रही है जिसका नाम है स्टॉर्क तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो लैंड पे रहते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेटा पानी में रहते हैं ओके और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं क्या बोलते हैं

ट्राई टू मेक सिमिलर साउंडस आप भी उस तरीके की साउंड निकालने की कोशिश कीजिए तो पोन्ड के आसपास हमें क्या दिखाई दे रही थी हमें गॉट दिखाई दे रही थी और गॉड कैसी आवाज़ निकालती है मे मे कर की आवाज़ निकालती है मे मे ऐसी आवाज़ पोन्ड सॉरी गॉट निकालती है उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा था हमें बफेलोज़ जो है दिख रही थी बफैलोज़ और बफेलोज़ कैसी आवाज़ निकालती हैं ग्रंट साउंड निकालती हैं जो बफेलो की चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसको हम ग्रंट बोलते हैं नेक्स्ट है हमें किस चीज के क्या दिखाई दे रहा था और पोन में हमें पोन में फ्रॉग्स दिखाई दे रहे थे और फ्रॉग की जो साउंड होती है वो क्या होती है क्रॉक क्रॉक होती है जो जब फ्रॉग्स बोलते हैं उस साउंड को हम क्या बोलते हैं क्रॉक क्रॉक बोलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आगे डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सम एनिमल्स वॉक सम क्रॉल सम फ्लाई सम स्विम अब बेटा कुछ एनिमल्स जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं वॉक करके जाते हैं कुछ जो होते हैं वो क्रॉल करके जाते हैं क्रॉल होता है रेंगना कुछ होते हैं फ्लाई करके जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिम स्विम करके जाते हैं ठीक है जो भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं दे स्विम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फिट कुछ इसके लिए एक जगह से दूसरे जगह एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ एनिमल्स क्या करते हैं फिट का यूज करते हैं कुछ एनिमल्स विंग्स का यूज करते हैं सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देय टेल कुछ एनिमल्स जो हैं अपने टेल का भी हेल्प लेते हैं ओके यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू आपने भी बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनिमल फ्लाई कर सकता है कौन सा एनिमल क्रॉल कर सकता है कौन सा एनिमल वॉक कर सकता है कौन सा एनिमल हॉप कर सकता है और कौन से एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं पंख होते हैं सो दैट दे कैन फ्लाई सो लेट्स डू दिस वन बाय वन सो फ्लाई कौन से एनिमल्स कर पाते हैं जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे फ्लाई कर सकते हैं तो आंसर हम लिख देंगे पैरट हो गया ओके okay, पैरट हो गया क्रो हो गया और स्पैरो हो गई स्पैरो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन क्रॉल कौन से एनिमल्स जो है क्रॉल कर सकते हैं ओके तो क्रॉल करने वाले एनिमल्स हैं स्नेक अर्थ वॉम ठीक है तो क्रॉल कौन कौन से एनिमल्स करते हैं क्रॉल करते हैं लिजर्ड, लिजर्ट्स क्रॉल करती हैं स्नेक क्रॉल करता है और अर्थ वॉम भी क्रॉल करते हैं अर्थ वार्म. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉक कौन से एनिमल्स हैं जो वॉक करते हैं तो मोस्टली एनिमल्स वॉक कर सकते हैं लाइक हॉर्स वॉक कर सकता है बफेलो वॉक कर सकती है और काओ वॉक कर सकती है नेक्स्ट कौन सा एनिमल जो है हॉप करता है हॉप मतलब होता है कूदना हॉप का मतलब होता है कूदना या फिर उछलना तो कौन से एनिमल्स हॉप कर सकते हैं हॉप करने वाले एनिमल्स हैं फ्रॉग फ्रॉग कैन हॉप कंगारू, कंगारू कैन हॉप ऑल्सो जो ग्रास हॉपर होता है, है ना उसके नेम में ही हॉप होता है तो ग्रास हॉपर कैन ऑल्सो हॉप ग्रास हॉपर सो दीज आर द एनिमल्स विच कैन हॉप जो कि हॉप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हैव विंग्स विंग्स का मतलब होता है पंख तो कौन से एनिमल्स हैं जिनके विंग्स होते हैं तो विंग्स वाले एनिमल्स हो गया ईगल ईगल के विंग्स होते हैं पैरट आप अपनी मर्जी से कोई भी बर्ड्स के नेम लिख सकते हैं पैरट्स हो गए या फिर स्पैरोज हो गई ठीक है इनके पास क्या होते हैं विंग्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हैव फीट कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास फीट होते हैं तो बेटा जितने भी एनिमल्स आप देखते हो मोस्टली के पास फीट होते हैं ऑक्स काउज ओके okay? कैट इनके पास फीट होते हैं नेक्स्ट हैव टेल किसके पास टेल होती है तो बेटा काओ के पास टेल होती है कैट के पास टेल होती है डॉग के पास टेल होती है है ना तो दीज आर द एनिमल्स विच हैव टेल्स आप अपनी मर्जी से और भी एनिमल्स सोच कर लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एनिमल डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज कुछ एनिमल्स ट्रीज के अंदर रहते हैं सम लिव इन वॉटर कुछ पानी में रहते हैं सम लिव ऑन लैंड कुछ लैंड के ऊपर रहते हैं सम लिव अंडर द ग्राउंड कुछ ग्राउंड में जमीन के नीचे रहते हैं एंड सम फ्लाई इन द स्काई और कुछ जो है आसमान में उड़ते हैं सम एनिमल्स इवन लिव इन अवर हाउस और कुछ एनिमल्स जो है हमारे घरों में भी रहते हैं ओके okay? तो आगे देखते हैं लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस अब आपको क्या करना है इस पिक्चर जो नीचे पिक्चर दी हुई है ये वाली पिक्चर उसको देखना है और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी ड्रॉ किए हुए हैं आपको ओके तो आपको ये पिक्चर में क्या करना है उन एनिमल्स को कलर करना है दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस जो कि आपके घर में नहीं रहते ओके तो आपके घर में कौन से एनिमल्स नहीं रहते आपके घर में वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहते ओके टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं कौन कौन से वाइल्ड एनिमल एंड पेट एनिमल या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स तो जितने भी पैट एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो आपके घरों में रहते हैं और वाइल्ड एनिमल्स क्योंकि ये डेंजरस होते हैं ओके okay, तो ये हमारे घरों में नहीं रहते तो आपको इस पिक्चर में क्या करना है आपको इस पिक्चर में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कलर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स कम्प्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं तो आपको क्या करना है इनको कम्प्लीट करना है और यहाँ पर उनका नाम लिखना है कि वो कौन से एनिमल्स हैं तो फर्स्ट पिक्चर जो है मुझे डॉग की लग रही है तो इसको आप कम्प्लीट करेंगे नेक्स्ट पिक्चर जो है फ़िश की लग रही है फ़िश भी कम्प्लीट करेंगे इसकी टेल फिंस बनाएंगे और ये जो पिक्चर है ये हमें काक्रोच की लग रही है कॉक रोच कॉकरोच की लग रही है तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट करेंगे इस पिक्चर को नेक्स्ट क्वेश्चन हु एम आई मैं कौन हूँ फाइंड माई नेम इन द क्रॉस वर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट यहाँ पे ये यह जो क्रॉस वर्ड दी हुई है इसमें हमें अपना जो वर्ड है जो भी एनिमल है उसको सर्च करना है और एक सर्कल बनाना है वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉन्की का ओके okay? तो ऐसे ही हमें बाकी क्वेश्चन भी करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज बनाना इज वट आई लव ईटिंग बनाना मुझे बहुत खाना पसंद है आई स्पेंड माई टाइम जम्पिंग एंड लिपिंग में अपना सारा समय कूदने में और फादने में बिताता हूँ तो ये कौन है मंकी Mon है तो यहाँ पे क्रॉस वर्ड में मंकी जो वर्ड है उसको हमने सर्कल कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द वॉल्स वेब आई वीव वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव

द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट मैं पूरी रात जागा रहता हूँ और जब दिन हो जाता है ब्रॉड डे लाइट हो जाती है तब मैं सो जाता हूँ तो ये कौन सा है आउल तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आउल जो है सर्कल कर सकते हैं हम नेक्स्ट इज क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड कि मेरी साउंड कैसी है क्रॉक 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 की है और मैं पानी में भी पाया जाता हूँ और लैंड के ऊपर भी पाया जाता हूँ तो इसका आंसर है फ्रॉग तो यहाँ क्रॉसवर्ड में हम सर्च करते हैं कि फ्रॉग कहाँ लिखा हुआ है येस यहाँ पर हमें मिल गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल मैं रेनफॉल के बाद अपीयर होता हूँ आई हैव नो फीट मेरे पास पैर नहीं है सो so आई I... क्रॉल तो इसलिए मैं क्रॉल करता हूँ तो आपको पता है रेनफॉल के बाद क्या निकलती है स्नेल निकलती है और स्नेल के पैर भी नहीं होते तो इसलिए वो क्या करती है क्रॉल करती है स्लो एंड स्टडी इज माई पेस आई ऑलवेज विन वेन देयर इज रेस तो मेरी जो पेस है मेरी जो चाल है वो कैसी है स्लो एंड स्टडी है मतलब तो धीरे धीरे चलता हूँ पर मैं लगातार चलता हूँ और मैं क्या करता हूँ जब भी रेस होती है तो मैं जीतता हूँ तो इसका आंसर है टॉयटॉइज अब ये देखते हैं यहाँ पे जो वर्ड है टॉयटॉयज गिवन है आपने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी पंचतंत्र की जिसमें क्या होता है एक हेयर होता है एंड एक टॉयटॉइज़ होता है ठीक है और उन दोनों की रेस होती है हेयर बहुत स्पीड में भागता है लेकिन वो जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है उसे लगता है कि अभी बहुत टाइम है तो थोड़ी देर रेस्ट की, कर लिया जाए लेकिन जो टॉयटॉइज़ होता है वो क्या करता है वो धीरे धीरे चल रहा होता है लेकिन वो कंटिन्यूस चलता है और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो बॉर्डर जो लाइन होती है फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब होता है और वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाता है मीन्स वो रेस जीत जाता है यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में हमें कुछ इमेज दिखाई दे रही हैं तो जो फर्स्ट पिक्चर है वो किस चीज़ की है फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ पैरट जो फर्स्ट पिक्चर है वो पैरट की पिक्चर है ओके okay? ये वाली जो पिक्चर है वो किसकी है पिकॉक की पिक्चर है येस दिस पिक्चर इज ऑफ पिकॉक पिकॉक की पिक्चर है दिस पिक्चर इज ऑफ डोंकी ये हमें एक डोंकी जैसा लग रहा है ये पिक्चर जो है डोंकी की है और ये पिक्चर जो है हमें डॉग लग रहा है डॉग की पिक्चर है और ये जो पिक्चर है वो किसकी है बटरफ्लाई की पिक्चर है बटरफ्लाई की पिक्चर है और आप देख सकते हो कि ये सारी पिक्चर्स किस तरीके से बनी हुई है ये थम से बनी हुई है थम और फिंगर के इंप्रेशन से बनी हुई है तो आप भी क्या कर सकते हो अलग अलग इमेजेस बना सकते हैं यूजिंग थम एंड वॉटर कलर मैजिक विद फिंगर्स टेक अ लुक एट द पिक्चर हमने ऊपर पिक्चर देखी जो कि किससे बनी हुई है थम से बनी हुई है कैन यू डिस्टिंग द थम प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स क्या हम डिस्टिंग कर सकते हैं अंतर कर सकते हैं कि कौन सा थम का प्रिंट है और कौन सा जो है फिंगर्स uh, का प्रिंट है तो हम देखते हैं कि जो ये वाले प्रिंट्स हैं यस yes, ये जो बड़े वाले प्रिंट्स हैं ये वाले प्रिंट्स ये, ये, ये थम के प्रिंट्स हैं और जो ये वाले प्रिंट्स हैं uh, ये किस चीज़ के हैं ये फिंगर्स के प्रिंट्स हैं ओके इन द सेम वे यूजिंग इंक एंड वाटर कलर्स मे पिक्चर्स ऑफ़ एनिमल्स आपको अभी क्या करना है वाटर कलर का यूज़ करके थम्प का यूज़ करके फिंगर्स का यूज़ करके बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स बनानी है मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन आपको अपने खुद की इमेजिनेशन का यूज़ करना है डू नॉट कॉपी द वन शोन अब ऊपर जो दिए गए हैं उनको कॉपी नहीं करना है यू कैन यूज़ द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम आपने अपने स्कूल में जो भी एनिमल्स uh, लगाए हैं और घर में जो भी एनिमल्स बनाए हैं डेकोरेट करने के लिए वो एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इज लेट अस हैव सम फन कुछ फ़न करें कुछ मज़े करें इन योर नोटबुक बुक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन जो भी आपने एनिमल देखा हो उसकी पिक्चर ड्रॉ करो मेक ग्रुप्स ऑफ थ्री चिल्ड्रन ईच तीन तीन बच्चों के ग्रुप्स बनाओ एक ग्रुप बन गया एक दो तीन दूसरा ग्रुप बन गया तीसरा ग्रुप बन गया मतलब थ्री स्टूडेंट्स के तीन ग्रुप हमें बनाने हैं इच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर हर ग्रुप वाइट पेपर लेगा इन ईच ग्रुप वन चाइल्ड वि ड्रॉ द फेस द नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर अब क्या करेगा हर ग्रुप में से एक बच्चा जो है टॉप ऑफ द पेपर में क्या बनाएगा फेस बनाएगा और नेक बनाएगा एंड हाइड इट बाई फोल्डिंग इट्स पार्ट और उसको फिर उसका पार्ट जो है फोल्ड करके उसको हाइड कर देगा द सेकेंड चिल्ड्रन वि बॉडी ऑफ द अनदर एनिमल इन देंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट डिंग द पेपर अब दूसरा जो बच्चा आएगा वो क्या आएगा उसकी बॉडी बनाएगा और फिर पेपर को फोल्ड करके चला जाएगा द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ ये अंदर एनिमल और जो तीसरा बच्चा आएगा वो क्या करेगा फीट बनाएगा किसी भी एनिमल के नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर अब क्या करना है आपको पेपर को अनफोल्ड करना है और पिक्चर को देखो कि क्या बने हुआ है क्या बना हुआ है ड इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल क्या ये फनी एनिमल नहीं लग रहा है एंड ऑल्सो लुक एट दिक्कत मेड बायर फ्रेंड्स और आपने जो पिक्चर बनाई है वो तो आपको फनी लगी ही रही है साथ में आपको अपने फ्रेंड्स की पिक्चर भी देखनी है कि उन्होंने क्या क्या बनाया है नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेंड सम अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे बैठ कर कुछ टाइम बिताओ वहां पे बैठो और ऑब्जर्व करो चीजों को ऑब्जर्व द एनील्स केयरफुली नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन अब वहाँ पर जो एनिमल्स हैं आसपास उनको ऑब्जर्व करो और उनके नेम बताओ दैट कैन बी सीन ऑन द ब्रांचेज जो हमें ब्रांचेज पर दिखते हैं तो ब्रांचेज भी आपको पता है कि ब्रांचेज पर कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं स्पैरोज दिखती हैं और मंकी दिखते हैं जो ब्रांचेस पे रहते हैं और क्रो दिखता है ओके okay? तो दीज एनिमल्स वी कैन सी ऑन द ब्रांचेज नेक्स्ट इज ऑन द लीव्स लीव्स पे कौन से एनिमल्स रहते हैं तो लीव्स में बेटा बीटल्स रहती हैं बीटल्स जो है लीव्स पे रहती हैं और कैटर पिलर रहता है पिलर। और ग्रास हॉपर रहता है हमारा ग्रास हॉपर जो है लीव्स पे रहता है नेक्स्ट इज ट्रंक ट्रंक होता है पेड़ का ये वाला हिस्सा ट्रंक जो होता है पेड़ का जो तना होता है इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं ट्रंक बोलते हैं तो ट्रंक पे कौन कौन से एनिमल्स हमें दिखा देखने को मिलते हैं तो ट्रंक पे हमें स्क्वाल देखने को मिल जाती है स्क्वाल देखने को मिल जाती है और टर्माइट्स यानी कि दीमक देखने को मिल जाते हैं और एंट्स भी कभी कभी हमें आ, उसमें ट्रंक में देखने को मिल जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राउंड तो ग्राउंड पे कौन से एनिमल्स रहते हैं ग्राउंड पे मोस्टली बेटा एनिमल्स जैसे कि रैट रहता है स्नेल रहती है स्नेल रहती है और रैबिट्स रहते हैं रैबिट रैबिट्स रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अराउंड द ट्री ट्री के चारों तरफ अगल बगल में कौन रहता है तो काऊ रहती है ओके बफेलो फैलो रहती है जो पेड़ों के आसपास घूमती रहती हैं और गॉड्स रहती हैं गॉड्स ठीक है तो दीज आर द एनिमल्स विच कैन बी सीन अराउंड द ट्री अब आपको यहाँ पे आपने ऊपर जो भी नेम्स लिखे हैं उनका उनको यहाँ पे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट साइज लिखेंगे फिर बिगेस्ट साइज लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा जो एनिमल है आपने जो भी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है उसको देखेंगे और सबसे छोटा यहाँ पे लिखेंगे फिर देन उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और यहाँ पे लास्ट में सबसे बड़ा जो एनिमल आपने लिखा होगा ऊपर वो आएगा नेक्स्ट इज जिक्सो पजल इन दिक्सा पजल पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार टू फ़िट द पिक्चर टुगेदर तो जिक्सा पसल में क्या होता है कि बहुत सारी पिक्चर्स जो होती हैं वो एक दूसरे से कटी हुई होती हैं और हमें उनको अरेंज करना होता है और बहुत ही ध्यान से हमें उसको करना होता है पिक्चर्स को वापस से अलाइन करने के लिए